What's up people, it's your boy Nilesh here with a cool video. Alright, so सबसे पहले sorry क्योंकि मैंने वो video डाला था, मेरे को जल्दी से delete मारना पड़ा exploring Oberoi mall because उसमें copyright claim लग गया, उसके कारण मेरे को delete मारना पड़ा, पर फिर से मैंने edit करके उसको डाला, so please go and check it out और please comment करो यार. So आज मेरे को बहुत जन ने बोला कि गली बॉय reaction video बना, vlog के साथ reaction भी start कर, so मैंने उसके ऊपर reaction बनाया. सो पहला वीडियो देखते हैं और फिर उसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है. सो चलो पहला वीडियोस देखते हैं. ये गली की बारात नहीं, तेरी कोई औकात नहीं इस जंग में. बन जा मेरा चेला, तुझे बहुत कुछ सिखाना है. मेरा रैप सुन के तेरी बंदी बोले ओ ये तो मेरा वाला गाना है. ये टी-शर्ट है नली इलाका, ये मेरा. गो बैक टू योर गली. कुछ है क्या बोलने को इसका? अब बहुत बेटे चुप चाप, क्या घंटे का इंसाफ, देश कैसे होगा साफ, इनकी नियत में है दाग सिर्फ. छोटे मेरे को लगा था रैप भी का बहुत शौक है करके. इसको रैप बोलते हैं. ये देख मेरी गाड़ी, मेरे जूते, ये देख दारू छोकरी. सफीना तुम्हें कुकिंग आती है? नहीं, लेकिन अगर सब कुछ सही रहा एक दिन मैं आपका लिवर ट्रांसप्लांट कर सकती हूँ. हाँ मेरा भाई, ये तो नोटों की सरकार है ना, नोट से बनाते अपने बेटों को ये स्टार. मेरे बॉयफ्रेंड से गुलू गुलू करेगी तो भोकतूंगी ना उसको. अच्छा, बहुत बड़ी गुंडी है तू. अच्छा छोड़ ना, सॉरी फिर से नहीं होएगा ऐसा. कहा मेरी कसम, मर जाएगा तू. अकेला इंसान फिर गाड़ी तेरी चार क्यों, घर में है चार फिर रूम तेरे आठ क्यों. कोई बड़ी मुराद अगर सपने में दिख जाए तो उसके लिए ट्राई करने का ना. कुछ जो करने का तू कर. तेरा अब्बू एक ड्राइवर है, नौकर का बेटा नौकर बनेगा, ये फितरत है. बोलो आसादी, बोलो आसादी. मैं कितना कितना पैसा झोंक रहा हूँ मैं पढ़ाई में. ये पढ़ाई कर रहा है, ये रंगापा कर रहा है. अगली बार अगर देख लिया मैंने, समझ लेना अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा. जितने भी चीरफाड़ आर्टिस्ट हुए ना आज तक, सबके सब के फक्कड़. हालत ऐसी कि जो मिलेगा नोच खाएंगे. बीच चुरा के फिर उसी भूख की कहानी बना के बोले फिर जाके कुछ उड़. उठ जा अपनी राख से, दूर जा अब तलाश में, परवाज देख परवाने की आसमां भी सर. बस चाहिए तो तेरे अंदर की सच्ची कहानी, तेरे अंदर का लावा फट के बाहर आने दे. अब हौसले से जीने दे, अब खौफ नहीं है सीने में, हर रास्ते को चीरेंगे हम, कामयाबी चीरेंगे. सब कुछ मिला पसीने से, मतलब बड़ा अब जीने में. क्यों तू कौन है, औकात क्या तेरा? दूसरा मेरे को बताएगा मैं कौन है? क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा. अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा. अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर. सलाम ठोक सर झुका, तू दुम दबा चल रास्ता नाप ले. कपड़े सिला ले खुद के दम पे, नहीं लिए मैंने अपने बाप से. अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा. तो बहुत ही बॉम्ब ट्रेलर है, ट्रेलर इतना अच्छा है तो सोचो पिक्चर कितना अच्छा होने वाला है. सो रणवीर सिंह ने आई थिंक सो नेजी का रोल निभाया है, बिकॉज 99% पिक्चर नेजी के ऊपर बना है, उसके लाइफ के ऊपर बना है. सो पूरा पिक्चर उसके बायोग्राफी के ऊपर नहीं है, आधा उन लोग ने अपने मन का डाला रहेगा. सो पिक्चर आने वाला 14 फरवरी 2019 को, हम लोग उसके ऊपर भी रिएक्शन बनाए गए. और आलिया भट्ट ने भी बहुत अच्छा एक्टिंग किया है, साथ ही साथ रणवीर सिंह ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग किया है, उसकी एक्टिंग को तो सलाम है भाई. सो उसमें एमी वे बनता है और बहुत से रैपर्स है, तो आप बहुत पब्लिक पागल होने वाली है इस पिक्चर को देखने के लिए. और पूरा पिक्चर ही मेरे को बहुत अच्छा लगने वाला है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड गाइस. अगर आप एक्साइटेड हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ आपको कितना एक्साइटेड है पिक्चर देखने के लिए. सो सबसे मेन बात ये है कि रणवीर सिंह ने खुद ने रैप गाया है, उनके वॉइस में जो रैप है यार बहुत कड़क लग रहा है यार. पूरी फिल्म डिवाइन और नेजी की लाइफ के ऊपर बनी है. सो इस फिल्म में बताया कि डिवाइन ने कैसे स्ट्रगल किया अपने लाइफ में और नेजी ने कैसे स्ट्रगल किया, बिकॉज आजकल के लड़के सिगरेट एंड ऑल के ऊपर पागल हो. सो कैसे डिवाइन ने स्ट्रगल करके ऊपर बढ़ा और आज उनके ऊपर जो फिल्म बनी है कोई आम बात नहीं है किसी भी इंसान के लिए. सो अगर आपको ये ट्रेलर अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब.